हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन के उम्मीदवारों ने बहुत सारी शिकायतों का इजहार करते हुए प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया। आइए देखते हैं ग्रोइंग कश्मीर की ये रिपोर्ट। मेरा नाम है आबरीन हुसैन, हम डिस्ट्रिक्ट बाड़ीपोरा से हैं। मैंने PhD ट्रेनिंग की है तकरीबन 2004 में, क्योंकि ये कोर्स 2006 में शुरू हुआ था। उस समय गवर्नर साहब एन एन वोरा थे, उन्होंने श्योरिटी दी अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को, अनएम्प्लॉयड लोगों कि आप इस कोर्स में आ जाओ, जो 12th पास इस कोर्स में आ जाओ और एंट्रेंस रखेगी, एंट्रेंस भी क्वालिफाई की। उस बहुत से लड़कों ने स्ट्रगल की ताकि एंट्रेंस, क्योंकि सीटें कम थी और बहुत सी मेहनत की लड़कों ने और एंट्रेंस क्वालिफाई किया। और 2013 में एक रिक्रूटमेंट निकल आई, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही रह गए, जैसे गांधरबल था और था बाड़ीपोरा था, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही रह गए। और 2013 से यहाँ लड़के रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, 500-600 यहाँ हैं, जो मांग कर रहे हैं कि 8 साल से पोस्ट निकल आए हैं, अब हम इस 8 साल के बाद हम फार्म भर सके। और जो इस पर अनफॉर्चुनेटली कुछ लड़के कर रहे हैं कि हमें इसमें एडजस्ट हो, वैसे इनके लिए ये पोस्ट के लिए नहीं था, ये खाली अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए था। उनको उस समय बोला गया कि आप इसमें आ जाओ, ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, और उन्होंने अपनी डिग्रियां छोड़ दी और इस कोर्स में। अब हमें मांग यही है गवर्नमेंट से, अब हमें कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं, हमारा प्रोटेस्ट नहीं है ये, हम मांग कर इल्तिजा कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जो लेटर आप लोगों ने निकाली है, आप साहिबान ने निकाली है, वो लेटर वापस हो जाए, ताकि हम टाइम से अपने डेट पर, जो JKSSB वालों ने टाइम रखा है उस डेट पर हम फार्म भर सकें। उनका राइट था कि हम प्रोटेस्ट करें, मगर उनके लिए हम ये कहना चाहते हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के था, अनएम्प्लॉयड लोग, ताकि ये PhD करें, और उनके लिए JKSSB ने अलग से पोस्ट निकाले हैं, अलग से पोस्ट उन्हें लिखा गया है वहाँ एलिजिबल है, हम वहाँ एलिजिबल नहीं है, हम खाली एलिजिबल इसी में है, हमारा खाली यही एक पोस्ट है जिसमें हम भर सकते हैं, बाकी हम पोस्टिंग के लिए नहीं भर सकते हैं। हाँ, वो उनके लिए बहुत से जॉब एन्यूज है, हमारे लिए कोई एन्यू नहीं है, हमारा खाली एक ही यही है बस, जिस पर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमसे ये भी छीना जा रहा है।